सो हे गाइस, मैं आ चुका हूं अपने वीडियो के साथ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन को जावा एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए गाइस आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी होगी। गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है और यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है। अपने सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को आना है टच वाले ऑप्शन में और टच वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कंट्रोल्स, आप लोगों को इसे इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आप लोगों को फिर से गेम में आना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाला साइन आ गया जैसे जावा एडिशन में रहता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ही जावा एडिशन की तरह आ गया है। और आप लोगों को नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके लिए गाइस फिर से आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एक हार्ड पेपर डॉल का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को इस ऑप्शन को आपका इनेबल रहेगा, इसे आप लोगों को डिसेबल कर देना है। और आप लोगों को देखोगे गाइस गेम में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर साइड में आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा एक छोटा सा जो है हमारे प्लेयर का आइकन, वही नज़र आएगा। सो गाइस चलते हैं अगले ट्रिक की। सो गाइस नेक्स्ट ट्रिक बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल होने वाली है। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को आना है सेटिंग में और गाइस सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को आना है वीडियो में। वीडियो में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर UI प्रोफाइल को पॉकेट रहेगा, आप लोगों का इसे क्लासिक कर देना है। इसे क्लासिक गाइज करने के बाद आप लोगों को आना है फिर से अपने गेम में और आप लोगों को देखेगा गाइज ये आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का एकदम बिल्कुल जावा एडिशन की तरह आप लोगों का प्रोफाइल एकदम दिख रहा है। सो गाइज ये देख ही सकते हैं आप लोग कितना ही अच्छा लग रहा है, एकदम फुल्ली जावा एडिशन की तरह हो गया है। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो के लिए आप लोग कोई सभी एक कमेंट कर दो। सो गाइज बाय बाय एंड थैंक यू।